सो गैस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी न्यूज़ एपीआई ऐप को, न्यूज़ मॉन्की ऐप को बहुत अच्छी तरीके से बनाया और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें ऐड करी। हमने फेच एपीआई का इस्तेमाल कर हम एक्चुअल में सर्वर से डेटा लेकर आ पा रहे थे और हमने वहाँ पर यह भी देखा कि किस तरह से हम लोग फेच एपीआई यूज़ करके अपनी एपीआई की यूज़ करके हिट कर सकते हैं जो न्यूज़ एपीआई का एंडपॉइंट जो हमें मिला, यानी कि न्यूज़ एपीआई के सर्वर्स को। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें फिक्स करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे सही नहीं लग रही है यहाँ पर, वो ये है कि जो हमारी ये एप्लीकेशन है, यानी कि जो रिएक्ट एप्लीकेशन है, इसमें शायद अगर ये मैं सेंटर कर देता तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है इन माय ओपिनियन। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा news.js है, जहाँ पर मैंने ये h1 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं एक क्लास ऐड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा h1.textcenter। अब अगर आप लोग को नहीं पता कि टेक्स्ट सेंटर क्या है, तो एक बूटस्ट्रैप की क्लास है, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। और मेरा npm रन स्टार्ट चल रहा है, बाय द वे आपको बता दूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसको कट करूँगा यहाँ पर जो हेडलाइंस लिखी हुई हैं, और इसको यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से करूँगा, तो ये सेंटर हो जाएगी और ये सेंटर हो जानी चाहिए थी, हो गई सेंटर। अब देखो, ये डेटा जैसे ही लोड हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर आप लोग देखो कि प्रीवियस आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट वाला जो मेरा जो न्यूज़ है वो लोड होना शुरू हो जाएंगी। फिर वापस से मैं नेक्स्ट करूँगा, तो नेक्स्ट पेज की न्यूज़ लोड नहीं हो रही है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि यार मेरी ऐप अटक गई या हैंग हो गई, थोड़ा एक अच्छी फीलिंग नहीं दे रही है ऐप। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर करना क्या है कि कुल मिलाकर इसको डिसेबल करना है अगर नेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यहाँ पर अगर क्लिक करो तो ऐसा हो जाए, मैं क्या करूँगा, ये वाला जो लॉजिक है मेरा, क्योंकि स्टेट तो मैं कहीं से भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ ऐसा है, अगर कुछ ऐसा है this.state.page+1 कुछ इस तरह से हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि बटन को ही डिसेबल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर डिसेबल्ड इज इक्वल टू करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर डिसेबल्ड इज इक्वल टू किया हुआ है, डिसेबल्ड इज इक्वल टू मैं ये कर दूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू कुछ इस तरह से कर दूंगा। तो अगर मेरा this.state.page+1 जो है वो बड़ा होगा, यानी कि जितने भी पेज मेरे होने चाहिए उससे ज़्यादा बड़ा है मेरा नेक्स्ट पेज, तो मैं क्या करूँगा, अगर ऐसा ट्रू है तो मैं डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको अभी सेव करके और आप लोग को यहाँ पर दिखाऊँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि ये नेक्स्ट आ रहा है, फिर मैं वापस से नेक्स्ट करूँगा, तो मैं एक बार नेक्स्ट गया, लेकिन अब मैं नेक्स्ट नहीं जा सकता क्योंकि इसके बाद कोई पेज है ही नहीं। ठीक है, ये मेरा लास्ट पेज है। तो अब मैं प्रीवियस आऊँ तो मैं प्रीवियस आ सकता हूँ। ठीक है, प्रीवियस में आ सकता हूँ, एक पेज प्रीवियस आ सकता हूँ, तो दो पेज में सारा डेटा दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जितना भी डेटा है मेरा वो मैं प्रॉप्स के तौर पे भेजूँगा। तो ये काम तो मैंने कर दिया यहाँ पर, अभी प्रॉप्स के तौर पर मैं डेटा भेजूँगा का क्या मतलब है, मेरे कहने का क्या मतलब है जब मैं कहता हूँ कि प्रॉप्स के तौर पर मैं डेटा भेजूँगा, जो हमारा न्यूज़ कंपोनेंट है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे हिसाब से हम चेंज करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक इन्फॉर्मेशन जो हम चेंज करना चाहेंगे वो है कि कितने हमारे यहाँ पर ये न्यूज़ आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं चेंज करना चाह सकता हूँ, ये पर पेज में कितनी न्यूज़ डिस्प्ले करूँ। हो सकता है कि मैं सिर्फ 4 न्यूज़ डिस्प्ले करूँ, हो सकता है कि मैं 10 न्यूज़ डिस्प्ले करूँ, वो मेरा यहाँ पर अपना मेरी ऐप टू ऐप डिपेंड करेगा, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं वेरिएबल रखना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं वेरिएबल रखना चाहूँगा, और उन सारी की सारी चीज़ों को मैं पास करना चाहूँगा एज प्रॉप्स, क्योंकि अगर कहीं भी इस पूरी न्यूज़ ऐप में, मे बी मैं 10-12 पेज बनाऊँ, हो सकता है मैं कैटेगराइज़ कर दूँ अपनी सारी न्यूज़ को। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ, कोई भी न्यूज़ वेबसाइट आप देखोगे तो यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ अलग होती है, वेदर न्यूज़ अलग होती है, ये सी न्यूज़ अलग होती है, किसी और टाइप की न्यूज़ अलग होती है, और मे बी ये कैटेगरी हो सकती है न्यूज़ की ट्रैवल से रिलेटेड जो न्यूज़ है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं न्यूज़ की। ठीक है, तो उन सारी कैटेगरीज़ पर अगर कोई भी क्लिक करेगा तो सिर्फ उस कैटेगरी की न्यूज़ फेच होनी चाहिए। तो क्या मैं उसके लिए अलग अलग कंपोनेंट्स बनाऊंगा? ऑब्वियसली नॉट, मैं उसके लिए अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं बनाऊंगा, मैं वो न्यूज़ कंपोनेंट से ही अचीव कर लूँगा अगर मैंने सही प्रॉप्स पास कर दिए तो मैं सही प्रॉप्स यहाँ से पास करूँगा। तो मैं क्या क्या चीज़ें ऐसी रखना चाहता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ वेरिएबल हो। जो पेज साइज़ है वो सेंस नहीं बनाता है यहाँ पर हार्ड कोड करना, क्योंकि पेज साइज़ का मतलब कितने आप आइटम्स डालना चाहोगे पर पेज। ठीक है, तो ये पेज साइज़ है, तो पेज साइज़ को मैं अगर 20 करूँगा तो एक पेज पर 20 आइटम्स यहाँ पर आएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो कंपोनेंट माउंट लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर बैकटिक्स यूज़ करता हूँ। बैकटिक्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ? बैकटिक्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं इसको वेरिएबल बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डॉलर लिखूँगा, यहाँ पर डॉलर लिखूँगा। बाय द वे, मुझे एक डर लग रहा है कि कहीं मेरी जो API की लिमिट है वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, क्योंकि आज मैंने काफ़ी वीडियोस रिकॉर्ड कर दी और इस चीज़ की जो API है जो मेरी, उसको काफ़ी हिट कर दिया मैंने, तो आई होप कि ख़त्म ना हो। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो बैकटिक मैंने यहाँ भी लगाया है, तो मैं डॉलर लिखूँगा और या इस तरह से लिखूँगा, और यहाँ पर पेज साइज़ को वेरिएबल बना दूँगा। ठीक है, सेम काम मैं अपने
कंपोनेंट डिड माउंट पे किया मैंने, प्रीवियस क्लिक पे किया, यहाँ पे भी करूँगा, ठीक है। तो ये जो काम मैंने किया एंड पेज साइज इज इक्वल टू दिस वेरिएबल, इसको मैं यहाँ पे भी करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, दो बार लगा दिया एम परसेंट, कोई बात नहीं, सेव किया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर क्या लेकर आऊँगा, यहाँ पर मैं प्रॉप्स लेकर आऊँगा। अभी न्यूज़ कंपोनेंट को कोई प्रॉप्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रॉप्स लेकर आऊँगा। पहला प्रॉप लेकर आऊँगा पेज साइज, ठीक है। तो पेज साइज इज इक्वल टू, लेटस से मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है। पेज साइज इज इक्वल टू 2 कर दिया, यार 2 तो थोड़ा कम हो गया यार, मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। पेज साइज मैं 5 करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो मेरे प्रॉप्स हैं, जो मेरे प्रॉप्स हैं उनको मैं दिस डॉट प्रॉप्स करके एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पेज साइज, ठीक है। और यही काम मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। तो ये जो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पेज साइज है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर सकता हूँ, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पेज साइज। बट यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा, ये जो 20 है इसको भी मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पेज साइज से। और क्या कहीं और 20 मैंने यूज़ किया हुआ है? हाँ यार, एक जगह और दिख रहा है मुझे 20, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पेज साइज। तो मैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पेज साइज करूँगा, इसको मैंने सेव किया। और यहाँ पर देखो मैंने कितनी न्यूज़ डाली थी, 5 डाली थी, बट इतनी सारी आ गई। तो लेट मी सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़ यार, मैंने जब पेज साइज़ को 5 दिया तब यहाँ पर इतनी सारी क्यों आई मेरी न्यूज़ लोड होकर, ये मुझे देखना पड़ेगा। लगता है मैंने इसको सेव नहीं किया है अभी, पेज साइज इज इक्वल टू 5 को सेव नहीं किया था मैंने। अभी यहाँ पर सिर्फ 5 न्यूज़ आनी चाहिए थी, बट लेट्स सी व्हाट द इशू इज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितनी न्यूज़ आ रही है, 20 आर्टिकल्स ही आ रहे हैं पर पेज 5 नहीं आ रहा है। क्या मेरी रिक्वेस्ट में मैंने लिखा हुआ है ये पेज साइज इक्वल टू 5 वाली रिक्वेस्ट जा रही है? तो मैं देखता हूँ न्यूज़ API को कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, तो ये चीज़ हम डीबग करेंगे यहाँ पर। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर न्यूज़ लिखूँगा। अब यहाँ पर देखो आप, मेरी API की जा रही है, पेज साइज भी जा रहा है। पेज इज इक्वल टू 1 के बाद देखो एंड नहीं लगाया मैंने, यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है कहीं ना कहीं मैंने एंड नहीं लगाया, एंड पेज साइज इक्वल टू नहीं लगाया। यहाँ पर देखो मैंने गड़बड़ कर दी, एंड पेज साइज नहीं लगाया। अब मैं सेव करूँगा तो अब आ जानी चाहिए 5 मेरी न्यूज़। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये सही है, तो देखो 5 आ गए यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। लेट सी की जो नेक्स्ट से सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने एक बार नेक्स्ट क्लिक किया, अगली 5 आ गई। फिर से नेक्स्ट क्लिक किया, अगली 5 आ गई। फिर से नेक्स्ट क्लिक किया, अगली 5 आ गई। तो आई कैन कीप ऑन डूइंग दिस अनटिल सारी की सारी मैं फेच ना कर लूँ। तो मैं ये काम करूँगा। मुझे पता है मैं API हिट कर रहा हूँ बार बार, तो एग्जॉस्ट हो सकती है API। अब देखो ये लास्ट पेज आ गया, तो यहाँ पर नेक्स्ट मेरा ब्लर हो गया। अब मैं प्रीवियस भी जाऊँगा अगर, तो अगर मैं पहले पेज पे आ गया, मैं डायरेक्टली इसको रिलोड करूँगा ताकि मैं सीधे पहले पेज पर लैंड करूँ, तो मैं यहाँ पर प्रीवियस पर क्लिक नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर जो है डिज़ाइन करनी थी, और बहुत सक्सेसफुली हमने ये चीज़ कर ली है। अब एक और चीज़ जो मैं करना चाहूँगा यहाँ पर वो क्या है, देखो यार जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो थोड़ा टाइम लग रहा है API से इन्फॉर्मेशन लाने में। तो मैं चाहूँगा कि एक स्पिनर कंपोनेंट बनाऊँ जो कि स्पिन करे और यूज़र को एक अच्छी फील दे, क्योंकि यार जब स्पिनर स्पिन करता है ना तो यूज़र को बहुत अच्छी फील आती है। तो क्रिएट स्पिनर जिफ ऑनलाइन। देखो मेरे दिमाग में कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है गूगल पर कि गूगल मुझे कोई ऐसी वेबसाइट दे देगा जो कि मुझे एक अच्छा सा स्पिनर बनाने में मदद करे। तो यार एक ajaxload.info करके वेबसाइट है, ये मैंने पहले भी यूज़ की हुई है, मुझे याद आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर दूंगा, और उसी के साथ साथ इनमें से मैं कोई चीज़ सेलेक्ट कर लूँगा। तो मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा स्पिनर अगर मिल गया तो मैं उसको यूज़ करना शुरू कर दूँगा। मैं कोई भी एक बेसिक स्पिनर डाउनलोड कर लूँगा यार, आप लोग फिर उसको चेंज कर लेना, मैं ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज किया, जनरेटेड पर क्लिक किया, और यहाँ पर देखो ब्लैक कलर का स्पिनर जो है वो जनरेट हो गया। डाउनलोड इट पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मेरी गिफ्ट फाइल जो है वो जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो शो इन फोल्डर करूँगा इसको ताकि ये मुझे फोल्डर में दिख जाए। तो जैसे ही मुझे दिखेगा मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको न्यूज़ ऐप की SRC के अंदर डाल दूंगा, loading.gif करके मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक स्पिनर कंपोनेंट ही बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम कभी भी हमें स्पिनर की ज़रूरत पड़े तो उस कंपोनेंट को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकें, ठीक है। तो स्पिनर कंपोनेंट को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर SRC में जाऊँगा, कंपोनेंट्स में जाऊँगा, और यहाँ पर एक spinner.js करके बना लूँगा, और यहाँ पर क्लास बेस्ड कंपोनेंट ही इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा सबसे पहले तो मैं स्पिनर फ्रॉम डॉट स्पिनर, नहीं मुझे ये कंपोनेंट नहीं करना है, मुझे एक्चुअली ये वाला इमेज जो है loading.gif को मुझे इम्पोर्ट करना है। मैं लिखूंगा इम्पोर्ट लोडिंग फ्रॉम डॉट स्लैश और loading.gif, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूंगा img, और यहाँ पर src इज इक्वल टू मैं कर दूंगा लोडिंग, और alt इज इक्वल टू लोडिंग, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ स्पिनर कंपोनेंट को, तो क्या मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, न्यूज़ मॉन्की जहाँ मैंने लिखा हुआ है जस्ट इसके बाद मैं यहाँ पर स्पिनर कंपोनेंट को यूज़ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्पिनर लिख दिया कुछ इस तरह से,
तो ये स्पिनर यहाँ पर आ रहा है। अगर ये सेंटर हो जाता तो कितना मज़ा आता ना, सेंटर हो जाता तो मज़ा आ जाता। तो इसको सेंटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पिनर डॉट जी एस में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास नेम इज इक्वल टू डालेंगे टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट सेंटर डाल दिया और यहाँ पर देखो ये सेंटर हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये सेंटर में घूम रहा है, बट मैं स्पिनर कंपोनेंट तभी दिखाना चाहता हूँ जब एक्चुअल में लोडिंग चल रही हो। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने यहाँ पर लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स रखा हुआ था। अब मैं क्या करूँगा, इसको लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा जब भी मुझे स्पिनर को दिखाना होगा। बट उसके लिए मुझे एक लॉजिक लिखना पड़ेगा, और वो लॉजिक क्या है, और वो लॉजिक ये है कि अगर मेरा लोडिंग ट्रू है तब आप क्या करें, स्पिनर को दिखाएं, वरना स्पिनर को ना दिखाएं। ठीक है, तो मैं इसको कई तरीकों से कर सकता हूं, या तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं, देखो इसको पूरा सेलेक्ट करके एक करली ब्रैकेट में डाल के मैं कह सकता हूं दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग, अगर ये ट्रू होगा तब आप स्पिनर को दिखाएं वरना ना दिखाएं। तो ये जो सिंटैक्स है ये कह रहा है कि दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग ट्रू है तब आप स्पिनर को दिखा दें वरना ना दिखाएं। तो ये सिंटैक्स कुछ इस तरह की बात कहता है जावास्क्रिप्ट में। अब मैं क्या करूँगा कि जब जब मेरी रिक्वेस्ट जा रही है, यानी कि मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ भी ऐसा काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब देखो ये इफ एल्स है, इसको भी मैं रिफैक्टर करूँगा थोड़ा सा। ये जो इफ एल्स है इसको मैं चेंज कर दूंगा इफ नॉट ऑफ, ये जो मैंने ये पूरा लॉजिक लिखा हुआ है इसको मैं लिख दूंगा नॉट ऑफ, अगर ऐसा नहीं होता है तब। ठीक है, तो वैसे मुझे ये रखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिसेबल कर दिया बटन नीचे, तो कोई भी इस फंक्शन के अंदर आएगा ही नहीं अगर नेक्स्ट पेज अब उपलब्ध नहीं है तो। बट अगेन उसके बाद भी मैंने इस लॉजिक को यहाँ पर लिख दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये करने के बाद लोडिंग को ट्रू कर देंगे जब लोडिंग चल रही है। तो लोडिंग कब तक चलेगी, लोडिंग तब तक चलेगी जब तक जब जब ये URL जो है हिट करेगा। तो जैसे ही आप डेटा इज इक्वल टू अवेट फेच करेंगे, यानी कि यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट मैं कर सकता हूँ लोडिंग ट्रू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लोडिंग को ट्रू कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही डेटा आ जाएगा लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लोडिंग को फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग पास डेटा किया है, मुझे कंसोल डॉट लॉग पास डेटा नहीं करना है। ठीक है, तो मैं लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा, इनफैक्ट मैं इसको इसी के साथ क्लब कर सकता हूँ लोडिंग फॉल्स। ठीक है, और सेम काम मैं ऊपर भी करना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट लोडिंग ट्रू कर देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले, और उसके बाद लोडिंग फॉल्स कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने हिट करने की मतलब स्टार्टिंग करी, वैसे मैं यहाँ पर लोडिंग ट्रू कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा के लोडिंग फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक लोडिंग फॉल्स आ जाएगा। सेव कर देता हूँ, कहीं ना कहीं एरर दिखा रहा है, ये लाल लाल मुझे दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पर एरर आ रहा है, तो यहाँ पर ये रेंडर में एरर दिखा रहा है, लगता है मैंने कुछ ब्रैकेट वगैरह बंद करने में गलती कर दी। हाँ, मैंने एक ब्रैकेट जो है एडिशनल डिलीट कर दिया लगता है गलती से, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी मैंने इसको फिक्स कर दिया है, अभी ये बिल्कुल सही से चल रहा है। तो अभी जो है लोडिंग ट्रू फॉल्स ठीक से हो रहा है, बट एक चीज़ यहाँ पर और करनी है कि जब हमारी ऐप स्टार्ट हो रही है तब हमें लोडिंग करनी है। यहाँ पर सेट स्टेट में ये चीज़ भी ऐड करूँगा, लोडिंग फॉल्स को भी ऐड करूँगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसकी रीडेबिलिटी को बढ़ा देता हूँ। हाँ, अभी सही है, अभी थोड़ा सा रीडेबल है ये। ठीक है, और ये चीज़ कॉपी करके लोडिंग ट्रू यहाँ पर भी लेकर आऊँगा। ठीक है, जब कंपोनेंट माउंट हो रहा है, पहली रिक्वेस्ट जा रही है, तब भी मैं चाहूँगा कि लोडिंग ट्रू कर दूँ मैं। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको रिलोड करके दिखाता हूँ, देखो ये लोडिंग का दिखा रहा है, अब आ गया। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देखना, मैं नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये लोडिंग यहाँ पर मुझे दिखा रहा था। तो मुझे एक चीज़ और करनी चाहिए कि जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँ तो ये सारा का सारा कंटेंट मिट जाए और लोडिंग दिखे सिर्फ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही सिंटेक्स का इस्तेमाल करूँगा जो कि मैंने करा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो मैं यहाँ पर दिस डॉट आर्टिकल्स डॉट मैप कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि यार देखो अगर दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग ट्रू है, अगर ये ट्रू है तब तो आपको कुछ नहीं दिखाना है। तो अगर ये ट्रू नहीं है, यानी कि दिस डॉट स्टेट डॉट लोजिंग लोडिंग फॉल्स है, तब आप ये दिखाओ, वरना मत दिखाओ। ठीक है, लोडिंग चल रही है तो मत दिखाओ ये। तो देखते हैं ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं। हाँ, ये काम कर रही है। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो देखो ये चीज़ नहीं दिख रही है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा देखो ये चीज़ नहीं दिख रही है। तो ये थोड़ा सा अच्छी फील दे रहा है एप्लीकेशन को, वरना ऐसा लग रहा है कि हैंग हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और सिखाता हूँ, देखो पहली बात तो ये कि ऑलरेडी न्यूज़ API थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स दे रही है, थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स दे रही है, लेकिन कभी कभी APIs इतनी फास्ट होती हैं कि क्या बताऊँ आप लोगों को। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क थ्रॉटलिंग कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर नेटवर्क में जाएं, नो थ्रॉटलिंग की जगह स्लो 3G कर लें इसको, और स्लो 3G करेंगे आप लोग तो आपका जो नेट है वो स्लोली काम करेगा। तो यहाँ पर देखो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, अगर
लगता है ये थ्रॉटलिंग है, वो नो थ्रॉटलिंग कर दी मैंने, मैं स्लो 3G करूँगा, ठीक है। मैंने इसको स्लो 3G कर दिया, इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा। अब नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये स्लो 3G मैंने कर दिया, जिसकी वजह से नेटवर्क स्लो है, ठीक है। और ये जो सारी की सारी APIs हैं, ये दो दो सेकंड ले रही हैं आने में। आप इसको कस्टम भी कर सकते हो और स्लो कर सकते हो कनेक्शन को, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको 3G कनेक्शन को सिम्युलेट करना है। एक टाइम पे 3G को बहुत फास्ट माना जाता था, अब 3G को स्लो माना जाता है। तो स्लो 3G आप करोगे तो थोड़ा आपको स्लो कनेक्शन सिम्युलेट करने को मिलेगा। फास्ट 3G भी स्लो ही होता है, टू बी ऑनेस्ट, कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूँ जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे। बट मेरे कहने का पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप यहाँ से नेटवर्क को स्लो कर सकते हो, ठीक है। तो ये करके आप लोग बड़े आराम से जो है अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट वगैरह कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम चुटकी में हो जाता है जो होना होता है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट दबाने का, या फिर मतलब देखने का कि नेक्स्ट दबा के क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो मैं अलग अलग पेजेस में जा पा रहा हूँ, और यार बढ़िया बन गई यार ऐप, मज़ा आया कि नहीं आया नीचे बताओ कमेंट करके जल्दी से। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे न्यूज़ की, और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या करेंगे ये देखेंगे कि क्या कोई और चीज़ें भी हैं जो कि हम एज प्रॉप्स भेज सकते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी अगर मैं एज प्रॉप्स भेज दूँ तो मैं सारे URLs को वो कैटेगरी यूज़ करने के लिए बोल सकता हूँ। अगर मैं कंट्री भेज दूँ तो मैं कंट्री सेंड कर सकता हूँ, कंट्री कोड यहाँ पर सेंड कर सकता हूँ और इस लिंक में यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मुझे अपनी वेबसाइट को इंडियन कंटेंट ना दिखाकर US कंटेंट दिखवाना हो तो मुझे बस यहाँ पर एक चेंज करना होगा कि मैं न्यूज़ में जो कंटेंट कंट्री है उसको चेंज कर दूंगा टू US या टू फ्रांस या कोई भी दूसरी कंट्री फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। और भी क्या कोई चीज़ है क्या, API की को भी भेजा जा सकता है? हाँ यार, API की को भी भेजा जा सकता है। तो अगर API की आपकी चेंज हो गई एप्लीकेशन की, तो आप हर लाइन पे थोड़ी ना चेंज करोगे उसको, आप एज अ प्रॉप पास कर दोगे API की को और उसको आप यूज़ करना चाहोगे। तो ये सारे के सारे काम हम लोग जो है आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। आई होप कि अभी सब कुछ समझ में आ गया, लॉजिक से लेके सब कुछ। अगर लॉजिक समझ में नहीं आया यार, देखो ये सब चीज़ें बेसिक मैथमेटिक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको मैट डॉट सील करके बताया। तो इसको यार थोड़ा सा टाइम लेके समझो, पेन पेपर लो, एक दो गूगल सर्च मारो, समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या करा है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ गया, और प्लेलिस्ट भी आप लोगों ने एक्सेस कर ली होगी अभी तक। तो अगर नहीं करी तो यहाँ क्लिक करके करें बुक मार्क, यहाँ क्लिक करके बुक मार्क, यहाँ क्लिक करके सेव। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।